स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर SST ज्योग्राफी पार्ट चैप्टर थर्ड, अवर चेंजिंग अर्थ। चैप्टर थर्ड, अवर चेंजिंग अर्थ, न्यू वर्ड्स हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, फोकस, एपिसेंटर, सिस्मोग्राफ, इरोजन, वेदरिंग, लिथोस्फेरिक प्लेट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू द की पॉइंट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होते हैं? अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इरेगुलर शेप प्लेट्स। अर्थ की जो क्रस्ट होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उसमें कुछ प्लेट्स होती हैं जो बहुत लार्ज होती हैं और इरेगुलर, मतलब उनका कोई शेप साइज नहीं होता, उसे बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो लिथोस्फेयर के ऊपर होते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेज, द फोर्सेज विच एक्ट इन द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो बिल्कुल अर्थ के इंटीरियर में एक्ट करते हैं, जिससे वोल्केनोज होती हैं, उसे बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेज। द फोर्सेज अर्थ के बाहर इंट्रैक्ट करते हैं, लाइक रिवर विंड, उसे हम बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेज। वोल्केनो, अवेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली। एक अर्थ में ऐसा, मतलब वोल्केनो का मतलब होता है जब अर्थ में लावा का आना, जैसे कि एकदम से अर्थ क्रस्ट वो हो जाती है, बर्स्ट हो जाती है और एकदम से लावा बाहर आता है, उसे बोलते हैं वोल्केनो। अर्थक्वेक, जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं और वो स्ट्राइक करती हैं अर्थ सरफेस के साथ, वाइब्रेट करती हैं, उसे हम बोलते हैं फोकस। क्या होता है? द प्लेस इन द अर्थ, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर मूवमेंट स्टार्ट्स। क्रस्ट में जो मूवमेंट स्टार्ट होती है बिल्कुल सेंटर में, हम उसे बोलते हैं फोकस। एपिसेंटर, द प्लेस ऑन द अर्थ्स सरफेस अबव द फोकस। फोकस के बिल्कुल ऊपर वाला प्लेस जो होता है उसे हम बोलते हैं एपिसेंटर। सिस्मोग्राफ कहता है एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। वैद्य होती है ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जब अर्थ सरफेस पे रॉक्स ब्रेक डाउन होते हैं, हमने तीन रॉक्स की थी, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री, जब इनका ब्रेक डाउन होता है तीनों रॉक्स का, उसे हम बोलते हैं वैदरिंग। इरोजन होता है जब किसी लैंडस्केप, मतलब किसी सर्फ से, अर्थ सरफेस से किसी चीज़ का बह जाना, एजेंट्स लाइक वाटर, विंड, आइस, इन सब का बह जाना, उसे हम बोलते हैं इरोजन। नेक्स्ट आंसर्स। नंबर वन, व्हाई डू द प्लेट्स मूव। प्लेट्स मूव क्यों करती हैं? एक्सट्रीमली हॉट मटीरियल नॉन एज द मोल्टन मैग्मा। जब ये मोल्टन मैग्मा कंटिन्यूसली मूव होता है अर्थ के अंदर, तब ये प्लेट्स क्या करती हैं? मूव करती हैं सर्कुलर मैनर में। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है? मोल्टन मैग्मा अर्थ प्लेट्स को मूव करवाता है। वट आर द एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेज? एक्सोजेनिक फोर्सेज वो होते हैं जो कि अर्थ के ऊपर कॉन्टैक्ट करते हैं, लाइक जिससे क्या होता है, चेंजेस आती हैं अर्थ में, लाइक विंड, वाटर, आइस, ये सारी चीज़ें अर्थ के ऊपर होती हैं। विंड का मतलब हवा, और एंडोजेनिक फोर्सेज होते हैं जो अर्थ के अंदर होते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, टू कोज द ये जो नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, लाइक अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस, ये अर्थ के अंदर से आते हैं, तो इसे हम एंडोजेनिक फोर्सेज बोलते हैं। इरोजन क्या होता है? किसी चीज़ का बह जाना लैंडस्केप बाई डिफरेंट एजेंट्स, लाइक जिसके जैसे कि ऊपर के पानी से जब बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड वगैरह आता है, तो उस अपने साथ कितना सामान बह के लेके जाते हैं, उसे बोलते हैं इरोजन। नेक्स्ट है, हाउ आर फ्लड प्लेन्स फॉर्म्ड? फ्लड प्लेन्स कैसे फॉर्म किए जाते हैं? वाइल रनिंग इन द प्लेन्स इन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। जब प्लेन्स ओवरफ्लो हो जाते हैं अपने, मतलब रिवर्स जब ओवरफ्लो हो जाते हैं, पानी ज़्यादा बहना शुरू हो जाता है, तो वो उससे क्या होता है, फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है नियर बाई एरियाज़ में। एज इट फ्लड्स इट डिपोजिट द लेयर्स ऑफ फाइन सोयल। जब बाढ़ आती है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी और बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आती है, जो कि कुछ बैंक्स होते हैं किनारे, रिवर के बैंक्स में इकट्ठे हो जाते हैं, किनारों पे इकट्ठा हो जाता है जाके, जब शांत हो जाती है बाढ़, तो उसे हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। वट आर द सैंड ड्यून्स? सैंड ड्यून्स क्या होता है? डेजर्ट विंड इज़ एन एक्टिव एजेंट ऑफ सोयल। डेजर्ट विंड जो होती है वो एक्टिव एजेंट होती है, क्योंकि डेजर्ट की जो हवा होती है, ये जो इधर डेजर्ट वाली साइड मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पे, वहाँ की जो हवा होती है वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आती है, इरोजन का सबसे बड़ा एजेंट है। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, इट लिफ्ट्स द ट्रांसपोर्ट
अपने साथ क्या क्या लेके आती है, सैंड मिट्टी लेके आती है एक जगह से दूसरी जगह पे। व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग, जब ये हवा बंद हो जाती है, सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिट, एकदम से कहीं जाके गिरती है और एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है। जैसे आपने इधर हिल टिब्बे देखे होंगे, इधर डेजर्ट्स वाली साइड, तो वहाँ पे कितने टिब्बे बने होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ बने होते हैं मिट्टी के, तो उसे हम बोलते हैं हिल लाइक स्ट्रक्चर, जो उसे क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। बीचेस कैसे फॉर्म होते हैं, दीज आर फॉर्म बाय सी वेव्स, जब सी की समुद्र की ठंडी हवा चलती है और वो सेडिमेंट्स को, मतलब यही जो पत्थर वगैरह होते हैं, अपने साथ इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं बीचेस। मतलब कि जो समुद्र किनारे सारे पत्थर वगैरह इकट्ठे होते हैं, वो होते हैं बीचेस। सो योर चैप्टर ओवर हेयर, नाउ लर्न इट फॉर योर टेस्ट। थैंक यू।